गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। आइए देखते हैं, क्लास नाइन्थ के सिलेबस में है पर्णोद। पर्णोद किसे कहते हैं? किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को पर्णोद कहते हैं। दाब बराबर पर्णोद बटे क्षेत्रफल होता है, बटे क्षेत्रफल। आइए यहाँ पर हम जान लेते हैं, पर्णोद का तात्पर्य होता है भार। जो भार वस्तु का काम करता है, किसी सरफेस यानी जो तल होता है, ये एक तरह से हम इसको भार भी कह सकते हैं। वस्तु का जो भार होता है, ये द्रव का भार है, या किसी बर्तन में द्रव भरा हुआ है तो उसका पर्णोद। तो यहाँ पर सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम पर्णोद कहते हैं। तो यहाँ दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो उसमें दाब दोनों पे होता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे ये कोई किली है, इसको यहाँ पर जैसे ये ठूंकी जा रही है, इस तरह से कोई किली है, तो इसमें जो ये इसका जो निचला सिरा होता है, इस पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उस पर डिपेंड करता है। एफ एफ जो है, इस पर जब हम लगाते हैं तो इस किली के निचले तल पर निर्भर करता है। इसका फार्मूला होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, लगने वाला बल, और ये बल जो है इसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जो नीचे तली हुई होता है, जो नुकीला होता है, उस पर निर्भर करता है। यहाँ जो पर्णोद है, जैसे मान लेते हैं कोई आयताकार वस्तु है इस तरह से, तो इसको अगर हम इस तरह से रखे हैं तो ये जो पूरा तल है इस पर एक तरह से दाब लगाएगा। तो कितने भाग पे लगाएगा? ये निचले वाले तल पे लगाएगा, ये जो पूरा इसका निचला तल है। इसी को अगर इस आकार से हम रख दें, यहाँ पर इस तरह से रख देते हैं किसी वस्तु पर, तो इस तल पर निर्भर करेगा ये दाब। ये क्षेत्रफल यहाँ घट जाएगा, ये क्षेत्रफल जो है यहाँ पर घटेगा तो दाब का मान बढ़ जाएगा। इसी को हमने घुमा दिया। तो यहाँ जो है दाब बराबर पर्णोद बटे क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल? ये जो आयताकार वस्तु है उसकी लंबाई चौड़ाई होती है। इसी पर हम आपको एक आंकिक प्रश्न बताना चाहते हैं। आइए देखिए आंकिक प्रश्न। आइए देखते हैं, हम एक वस्तु है इस तरह से रखी गई है, इसकी दो अवस्थाओं को दिखाया गया है। वस्तु एक ही है, इसकी दो अवस्थाओं को दिखाया जा रहा है। ये 20 सेंटीमीटर 10 20 × 10 इसका निचला फलक है, जो निचला वाला तल है ये इस तरह से है। आइए देखते हैं इसमें, और इसकी 40 सेंटीमीटर हाइट है। जब इसको हम इस तरह से रख देते हैं तो 40 सेंटीमीटर इसकी हाइट इधर आ जाएगी, और तब ये कितना दाब लगाएगा? तो ये इसका जो क्षेत्रफल है, ये निचला तल का जो क्षेत्रफल है, इतना पार्ट होगा यहाँ पर, और इसके जो निचला तल का क्षेत्रफल होगा वो ये होगा। आइए देखिए दोनों के लिए। तो पर्णोद हमको ज्ञात करना है, तो इसका भार अगर हम देख लेते हैं, इसका भार कितना है? तो भार के लिए mg होता है। मान लेते हैं जैसे ये गुटके का द्रव्यमान है, तो गुटका द्रव्यमान मान लेते हैं 5 kg है, और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दिया गया है। लंबाई 20, चौड़ाई 10, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो l हो जाएगा 20, और चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। ये सब CGS पद्धति में मात्रक हैं इसके, और MKS में किलोग्राम दिया हुआ है। इसके इस पे जो दाब लगाएगा, ये जो निचला तल है इस पे कितना दाब लगाएगा? किसी मेज पर रखी हुई है तो कितना दाब आरोपित करेगा, उसके लिए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इस पे जो दाब लगेगा वो हो जाएगा पर्णोद पर्णोद बटे क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल। तो पर्णोद कितना हो जाएगा? mg भार है, और बटे क्षेत्रफल, तो निचला निचले तल का क्षेत्रफल होगा 20 गुड़े लंबाई गुड़े चौड़ाई, और इसी में हम मीटर में बनाएंगे तो 100 100 बटे 100, 2 बार 100 100 से भाग करेंगे, 10^-4 हो जाएगा यहाँ पर। और सॉल्व कर लीजिए, 5 और गुड़े जी की वैल्यू दी गई है 10, जी की वैल्यू 10 m/s², तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 20 200, और गुड़े 10^-4, 10^-4 हो जाएगा यहाँ से।
तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो इसका आंसर हमको मिलेगा, यहाँ से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एक पॉइंट एक 4 है तो एक कम हो जाएगा 3, तो 5/2 गुणे 10^3 हो जाएगा इसमें। और सॉल्व करेंगे तो 2.5 × 10^3 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ये हो गया दाब इसके लिए। और इसका इसका इसके लिए लगाएंगे दाब, दाब इक्वल टू सूत्र पाणूद, तो mg और बटे क्षेत्रफल, तो निचले तल का क्षेत्रफल हो जाएगा 20 × 40 और गुणे 10^-4। अब m का मान कितना दिया गया है, 5, और गुणे 10, और ये हो जाएगा 800 यहाँ से, और गुणे 10^-4, 10^-4, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको भी, तो ये हो जाएगा एक 0 से 0 कैंसिल, तो ये 5/8 और गुणे 10^3, और सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 50 × 10^2 और बटे 8, और 8 से भाग कर दीजिए यहाँ, तो 8 ये आंसर हो जाएगा इसका न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ओके, पॉइंट में निकालना चाहें इसको तो आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, 8 × 2 = 24, 8 × 2 = 32, 6 बार जाएगा और 2 बचेगा यहाँ पर, 20, 6.3 × 10^2 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इसमें दाब का मान कहाँ पे बढ़ा कहाँ पे घटा, यहाँ क्षेत्रफल कम है तो दाब का मान बढ़ गया है 2.5 × 10^3, यहाँ क्षेत्रफल इसका बढ़ने के कारण जो है दाब का मान घट गया, यहाँ क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब बढ़ा और यहाँ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब घट गया, 6.3 × 10^2। ओके, धन्यवाद।